देखो बेटा, 25th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बहुत सिंपल सी बात। कह रहे हैं कि साहब, एक आपके पास स्टोन है और आपने इसको वर्टिकली 28 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। तो कह रहे हैं कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा? तो दोस्तों, कब तक मैक्सिमम हाइट पर जाएगा? जब तक इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा तब तक ये आगे बढ़ता जाएगा। जिस समय वो जीरो हो जाएगा तो आप कहेंगे उस समय की जो हाइट है वो इसकी मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है। आप भी कहेंगे सर, इतना आसान सवाल क्यों एस सी वर्मा सर पूछ रहे हैं? पूछेंगे, अभी जब आप बी और सी पार्ट देखेंगे तब आप इस सवाल को एंजॉय करेंगे। तो आपने कहा एच निकालना बहुत आसान है सर। ये चला गया अगेंस्ट ग्रेविटी, जा रहा है माइनस कर दिया। बड़े आराम से इक्वेशन से एच निकाल लेंगे आप। आपने कहा सर ये जीरो हो जाएगा, ये यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू एच, टू एच इधर ले आइए, ये यू स्क्वायर हो जाएगा। एच निकालना है तो आपने कहा यू स्क्वायर अपॉन टू, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। 28 × 28 है मैं राइट, दिख रहा बेटा आपको 2 × 9.8। जो कक्षा 11 के हैं, पहली दफे आए हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिएगा। आपको 7 टाइम ले जाइए, 7 × 28, 7 × 9 = 7, 7 × 9 = 28, 2 × 14 = 28, 2 से 2 काट दीजिए तो आपको h बराबर 40 मीटर मिल गया। कहने के साथ ये सवाल में क्या था? हाय हाय हाय, ये बेटा आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट भी कैलकुलेशन है, लेकिन उसके अंदर एक फिजिक्स छुपी है जो कि सी पॉइंट में उन्होंने उजागर की है। बी में आइए, बी में कह रहे हैं कि साहब इसको यहां से यहां पहुंचने में कुछ तो समय लगा होगा। कहने लगे यहां टी समय लगा, मान लीजिए यहां से यहां तक पहुंचने में इसको टी सेकेंड लगा। क्या लगे? ऊपर पहुंचने से 1 सेकेंड पहले, सपोज यहां पे 1 सेकेंड पहले, मान लीजिए 10 सेकेंड लगा इसको, सपोज 10 सेकेंड लगा तो आप 1 सेकेंड पहले यानी 9वें सेकेंड पे कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी तो 10वें सेकेंड पे जीरो, कहेंगे वेलोसिटी बता दीजिए। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने से 1 सेकेंड पहले उसकी वेलोसिटी बता दीजिए। आप भी कहेंगे कैलकुलेट कर देते हैं, बता देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे की जो ब्यूटी है वो सी सेक्शन में है, समझिएगा। तो आपने कहा कि सर टी निकाल दीजिए और टी माइनस वन पे हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो हमने कहा टी निकाल लीजिए, तो टी भी निकालना बहुत आसान है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं माइनस हो जाएगा। हमने पूरी निकाल ली, पहले टी निकाल ली फिर टी माइनस वन कर लेंगे। यू माइनस जी टी, जी टी को आप बेटा इधर ले आए तो आपने कहा टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी। कुछ कुछ आपको अच्छा लग रहा होगा कि देखिए यू कॉन्स्टेंट है, जो भी भेजेंगे और जी से डिवाइड कर रहे हैं, टाइम उसी पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे यू ज्यादा होगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। हाँ, टाइम बढ़ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाएगा। आइए फिलहाल देखिए, तो आपने कहा कि सर हमको 1 मिनट पहले चाहिए, तो आपने कहा टी माइनस वन ले लेंगे, कहीं ठीक है, ये कितना हो जाएगा? कहीं कुछ नहीं साहब, यू जी तो है ही है टी पे, तो माइनस वन कर देंगे। कह लगे वेलोसिटी निकालिए सोचती सर, तो आपने कर लीजिए अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, ये हो गया। देखिए बेटा ब्यूटी देखिए, ये आपका टी डैश है तो रख दीजिए वैल्यू यू जी माइनस वन, एक काम बन गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए यू माइनस जी से करेंगे तो जी जी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जी। क्या लग रहा है? यही ब्यूटी थी इस क्वेश्चन की, यही ब्यूटी थी इस क्वेश्चन की कि 1 सेकंड पहले जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी? एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप बड़े वजह कह देंगे कि सर
9.8 मीटर पर सेकेंड। तो वर्मा सर की किताब में बहुत कंसेप्चुअल है, इसीलिए इसका नाम कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स रखा है। अब सी पार्ट में क्या कहा, ये तो निकाल ही दिया एक सेकंड पहले आपने। सी पार्ट में कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए u बराबर 40 मीटर पर सेकंड से भेजते, दिख रहा है बेटा, या u बराबर 80 मीटर पर सेकंड से भेजते, तो बताइए एक मिनट पहले पीक पे पहुंचने पे, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने से पहले एक मिनट पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी। आपने निकाल लिया, सोती सर की जय, उसकी वेलोसिटी क्या है, जी के बराबर है, और जी तो कांस्टेंट है। तो आपने कहा कि सर चाहे आप इससे फेंकिए चाहे इससे फेंकिए, एक सेकंड पहले वेलोसिटी जी होगी, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड होगी। इसका हार्डली मैटर कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी।